Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very basic understanding about the research methodology, that is difference between null and alternative hypothesis. Means ashakt ya shunya aur vaikalpik parikalpana ke beech mein kya antar hota hai. The lecture will be in bilingual mode as usual, and you do subscribe my channel to get my future videos as well as my previous videos too. And this lecture will be very useful for various competitive teaching examinations, your regular courses and your other basic understanding too. Okay, so let's start. Null hypothesis. हम मतलब ये इतना common term है, अगर किसी ने भी research methodology को किसी भी रूप में पढ़ा है या research की है तो आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तब भी आप ये जानते हैं कि null hypothesis बनाई जाती है, शून्य परिकल्पना कुछ होती है. Okay, तो क्या है शून्य परिकल्पना? सबसे पहली बात, परिकल्पना की क्या जरूरत है, परिकल्पना क्यों बनाते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस बाय यूजिंग सैंपल डेटा. देखिए, जब भी आप रिसर्च शुरू करने जाते हैं तो आप वैक्यूम में नहीं शुरू कर सकते, उसके पीछे कोई कंसेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ अजम्पशन आपको मानना होता है. फिर हम चूंकि हम मानते हैं इसलिए तो दुनिया नहीं मानेगी, इसलिए हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं टेस्टिंग से, एक्सपेरिमेंटेशन से, स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगा के, और तब साइंस की मतलब लॉजिक के साथ, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताते हैं कि ये जो हम मान के चले थे वो ठीक है कि नहीं, है ना? तभी तो लोग मानेंगे, हमारे कहने से तो मानेंगे नहीं. सो ये एक टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है. वो क्यों किया जाता है? कि जो हमारी परिकल्पना है उसकी सत्यता की जांच हम कर लें जो हमारे पास आंकड़े हैं उनकी सहायता से. अ हाइपोथेसिस इज स्पेकुलेशन और थियरी बेस्ड ऑन इनसफिशियंट एविडेंस दैट लेंड्स इटसेल्फ टू फर्दर टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन. मीन्स हमने जो पढ़ा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं कमतर हो सकती है, उसमें कुछ कमी हो सकती है, वो उसमें उतने एविडेंस नहीं हो सकते हैं. तो इनसफिशियंट एविडेंस पे जो थियरी या स्पेकुलेशन हमारे दिमाग का बेस्ड है उसको हम फर्दर टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूफ करते हैं. अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस विद इन अ सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल. ये चूंकि क्रमवार हमको चलना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें टर्म्स ऐसे हैं जो हमको जानने हैं, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल और वगैरह वगैरह. तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो सभी लोग इतना जानते होंगे कि जनरली 0.05 या 0.01 लेकर चलते हैं, लेकिन प्रायरी टू रिसर्च, मतलब रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स लगाने से पहले हमको सेट करना है और हमको अंत तक उस पर अडिग रहना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेट करके कुछ चले और लास्ट में अपनी हाइपोथेसिस अपने रिजल्ट के संग मैच कराने के लिए आपने उसको बदल लिया, तो फिर आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं है. तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक हमको मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जितना मान के चले हैं कि इतने कॉन्फिडेंस लेवल तक हम कह सकते हैं कि हमारी बात सही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें. अभी आप समझ जाएंगे कि क्या है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, क्या है फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में क्या है. तो क्या है नल हाइपोथेसिस? अ नल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. सबसे पहली बात कि जब आप स्टैट्स लगा रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तब ही नल हाइपोथेसिस की का वजूद है. क्वालिटेटिव रिसर्चर्स में हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, इसलिए नल हाइपोथेसिस वहां एग्जिस्ट नहीं करती है. तो ये एक प्रकार की सांख्यिकीय परिकल्पना है दैट प्रपोजेस, जो क्या प्रपोज करती है, दैट नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट्स इन ए सेट ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है, जो प्रेक्षण हमारे पास है, जो प्रेक्षणों का समूह समुच्चय हमारे पास है, उसमें कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं है. ये कहती है नल हाइपोथेसिस. नल मतलब देयर इज नथिंग, नथिंग एग्जिस्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये मान के चलते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ कंजेक्चर in statistics that proposes that there is no difference between certain characteristics of a population or data generating process. ये क्या कहता है कि जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो डेटा जनरेटिंग प्रोसेस से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है, उसमें कोई अंतर नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये पढ़ा लिखा और जाना कि एकेडमिक अचीवमेंट जो स्टूडेंट का है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से प्रभावित होता है ना. जनरली जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिन स्टूडेंट्स की बेहतर होती है उनका एकेडमिक अचीवमेंट भी बेहतर होता है. पर
बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, बहुत कमतर तबके के बच्चे बहुत अच्छा निकल जाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है. तो हम क्या नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए स्टूडेंट, है ना. हम ये मान के चलेंगे कि जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई भी अंतर नहीं है. द नल हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द चोजन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू सी इन अ सेट ऑफ डेटा इज ड्यू टू चांस. और क्या नल हाइपोथेसिस मानती है, उसका अजम्पशन क्या है कि अगर, पहला तो वो बात वो मानती है कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर अंतर दिखाई दे रहा है तो वो बाई चांस है, वो चांस फैक्टर की वजह से है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक, ये हमने मना लिया. फिर क्या है, जो एनालिस्ट है, जो रिसर्चर है, वो चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए ताकि हमारा जो अंतर निकल के आए वो इतना सिग्निफिकेंट हो कि हम उसे कह सकें कि ये चांस फैक्टर के थ्रू नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ अंतर यहाँ एग्जिस्ट करता है. एनालिस्ट लुक टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज डूइंग सो इज अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन. वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, नल हाइपोथेसिस को क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से उनको एक मजबूत निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं. दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जर्व डिफरेंस. वो क्या मांगता है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो ताकि हम बता सकें कि जो डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है दिस इज टू लार्ज टू बी एक्सप्लेन सोलली बाय चांस. वो इतना बड़ा है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि चांस फैक्टर की वजह से है. इसका मतलब कि एक्चुअली अंतर वहां एग्जिस्ट करता है. ओके, देन फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर हमने मान के चले कि देयर इज नो डिफरेंस और हमारा जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट था वो इस तरीके का रिजल्ट नहीं निकल के आया कि हम उसको रिजेक्ट कर पाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम फेल हो जाएंगे उसको रिजेक्ट करने में. तो इसका क्या मतलब कि रिजल्ट्स आर एक्सप्लेनेबल बाई चांस अलोन, यानी कि हम कह सकेंगे कि जो इतना मामूली सा अंतर है वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ चांस फैक्टर की वजह से है. इट इज अ वीक कंक्लूजन. तो ये क्या होता है, ये कमजोर निष्कर्ष होता है बिकॉज इट अलाउज फैक्टर्स अदर देन चांस मे बी एट वर्क बट मे नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटेक्ट देम. इसका मतलब कि कुछ है जो चांस फैक्टर के अलावा काम कर रहा है पर वो इतना वीक है कि उसको हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाया. तो ये एक वीक कंक्लूजन है. और अगर हम रिजेक्ट कर पाते हैं नल हाइपोथेसिस को तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है. एंड एनालिस्ट्स एंड रिसर्चर्स टेंड टू वर्क ओवर किस तरफ वर्क करना चाहते हैं, क्या उनका निष्कर्ष होता है, क्या उनका गोल होता है कि हम रिजेक्ट कर पाए. ओके, देन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, द नल हाइपोथेसिस इज अज्यूम्ड फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट टू बी ट्रू. जब तक हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं तब तक हम सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट तर्क करने के लिए मान लेते हैं कि वो सच है, तभी तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट वी आर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट अबाउट इट्स वैलिडिटी. फिर हमको क्या करना है, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, हम बीइंग एन रिसर्चर हमको ऑब्जेक्टिव रहना है तो हमको उसमें अपना कोई बायस नहीं डालना है, इसलिए हमने मान लिया कि देयर इज नो रिलेशनशिप. यहां से शुरू करते हैं, फिर जो रिजल्ट हमारा बताएगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं. हम शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है ना. फिर वट एवर इन्फॉर्मेशन इज अगेंस्ट द स्टेटेड नल हाइपोथेसिस इज कैप्चर्ड इन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फिर वैकल्पिक परिकल्पना क्या है, वो बिल्कुल उल्टा होता है नल हाइपोथेसिस का. जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए स्टूडेंट, तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर इज डिफरेंस या देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए स्टूडेंट, तो उसके अगेंस्ट चलती है. ओके, देन द रिसर्चर्स वर्क टू रिजेक्ट नलीफाई और डिस्प्रूव द नल हाइपोथेसिस. सारा काम, सारा ताम झाम इसलिए हो रहा है कि हम रिजेक्ट कर सकें, नलीफाई कर सकें, अशक्त कर सकें, डिस्प्रूव कर सकें अपनी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को. द नल हाइपोथेसिस इज अ टिपिकल स्टैटिस्टिकल थियरी दैट सजेस्ट दैट नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन ए सेट ऑफ गिवन सिंगल ऑब्जर्व वेरिएबल्स बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्व डेटा एंड मेजर्ड फिनोमेना. बार बार बात हो गई कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी सांख्यिकीय सहसंबंध इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नहीं है, जो भी दो वेरिएबल हो, दो से ज्यादा वेरिएबल हो. ओके, देन द नल हाइपोथेसिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन्स द पॉपुलेशन पैरामीटर हुज पर्पस इज टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा. द हाइपोथेसिस इज आइदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड. हम या तो लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो हम या तो रिजेक्ट कर पाएंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को या नहीं रिजेक्ट कर पाएंगे बेस्ड ऑन द वायबिलिटी ऑफ द गिवन पॉपुलेशन और सैंपल. इस पर बेस करेगा कि हमारा जो सैंपल है, पॉपुलेशन है, वो किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है. In other words, the null hypothesis is a hypothesis in which the sample observations result from chance. So last but not the least, हम ये कह सकते हैं कि जो भी अंतर हमको null hypothesis में दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ chance की वजह से होता है. या तो कोई अंतर नहीं है या इतना मामूली है कि हम उसको कह सकते हैं कि by chance ऐसा हो गया. Okay.
नल हाइपोथेसिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है? द प्रिंसिपल फॉलोड फॉर नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज कलेक्टिंग द डेटा, सबसे पहले हमको डेटा कलेक्ट करना है, एंड डिटरमिनिंग द चांसेस ऑफ ए गिवन सेट ऑफ डेटा ड्यूरिंग द स्टडी और सम रैंडम सैंपल। और आप जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में हमको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना होता है पॉपुलेशन का, इसलिए हमेशा यहाँ पे जो सैंपल होता है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन को, इसलिए रैंडम सैंपलिंग ही चलती। बाकी आप उसमें स्ट्रेटिफाइड लगा दीजिए, सिंपल स्ट्रेटिफाइड लगा दीजिए, ये सारी बातें बाद में, लेकिन मेन रैंडमाइजेशन ही इसका प्रिंसिपल है। जबकि जब क्वालिटेटिव रिसर्चेस करते हैं तो आपका चूंकि ध्येय नहीं है जनरलाइजेशन, इसलिए आपका पॉपुलेशन सॉरी आपका आपका सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है वहां पे। और वहां पे क्या चलती है, पर्पजिव सैंपलिंग चलती। क्यों? क्योंकि हमने पर्पजफुली उन पार्टिसिपेंट्स को लिया है जिनके संग वो या तो घटना घटित हुई हो या जिनको हमको लगता हो कि वो वोकल है, उनके पास उस तरीके का एक्सपीरियंस है और वो कुछ बता सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में पर्पजिव और रैंडम सैंपलिंग को लेकर है, और उसके पीछे लॉजिक भी है। ओके, इन केस इफ द गिवन डेटा डज नॉट फेस द एक्सपेक्टेड नल हाइपोथेसिस देन द आउटकम विल बी क्वाइट वीकर, है ना। And they conclude by saying that the given set of data does not provide strong evidence against the null hypothesis because of insufficient evidence. अगर हमारा हम null hypothesis को reject नहीं कर पा रहे हैं, fail to reject है, इसका मतलब कि हमारा conclusion weak है और हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि sufficient evidence हमारे पास नहीं है कि हम कह पाएं कि वो अंतर exist करता है। Finally, the researcher tends to reject it. तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, अपनी null hypothesis reject करनी पड़ती है। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए। फेल टू रिजेक्ट इज अ वीक कंक्लूजन, इतना समझ लीजिए। फिर ये है क्या फेलिंग टू रिजेक्ट, कभी कभी हमारे दिमाग में आता होगा ना कि जब हम लोग शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जनरली क्या मान के चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस या तो हम रिजेक्ट करेंगे या होना क्या चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे ना। यही तो होना चाहिए कि हम रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम कह रहे हैं कि फेल टू रिजेक्ट है, तो ये डबल नेगेटिव क्यों चल रहा है यहाँ पे। तो फेलिंग टू रिजेक्ट इज एन ओल्ड वे टू स्टेट दैट रिजल्ट्स ऑफ योर हाइपोथेसिस टेस्ट आर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जब हम ये कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हाइपोथेटिकल टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। तो फिर ये है क्यों, फेल टू रिजेक्ट साउंड्स लाइक वन ऑफ दोस डबल नेगेटिव्स दैट राइटिंग क्लासेस टॉट यू टू अवॉइड। जब हम ग्रामर की क्लासेस करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हमको डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए ना कि या तो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। क्यों कह रहे हैं कि फेलिंग टू रिजेक्ट है, व्हाइल एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस स्टैंड्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये ऐसा लग रहा है ना कि सीधा है, या तो रिजेक्ट करिए या एक्सेप्ट करिए, बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिकली करेक्ट। लेकिन हम कह क्यों नहीं रहे हैं ऐसा, इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सांख्यिकीय दृष्टि से ये सही नहीं है। वी अज्यूम दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट अंटिल वी हैव एनफ एविडेंस to suggest otherwise। मतलब जब तक हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तब तक हम ये मान के चलते हैं कि वो सही है। जब तक हमको स्ट्रॉन्ग एविडेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल जाता है कि हम कह सकें कि जो अंतर है वो बाई चांस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किस तरह से तय करेंगे कि हमको रिजेक्ट करना है या हम फेल हो रहे हैं रिजेक्ट करने में, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, पी वैल्यू निकल के आती है। तो वो कह रहा है कि पी वैल्यूज आर यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो ये तय करेगी कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या आप फेल हो जाएंगे उसको रिजेक्ट करने में। तो क्या इसके पीछे मतलब थंब रूल क्या है, व्हेन योर पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू योर सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, 0.05 या 0.01, जो आपने रिसर्च स्टैट्स लगाने से पहले तय किया है, जो आप सिनॉप्सिस में लेकर चले हैं। तो वो कह रहा है कि अगर पी वैल्यू आपकी कम आती है या बराबर आती है सिग्निफिकेंस लेवल के, तब तो आप रिजेक्ट कर पाएंगे नल हाइपोथेसिस को। यानी कि आपका डेटा इस वक्त किसको फेवर करेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फेवर करेगा। आपके रिजल्ट क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर व्हेन योर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन योर सिग्निफिकेंस लेवल, अगर पी वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है, इसका मतलब कि हम फेल हो गए रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस को, मतलब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कंक्लूजन जो है वो वीक निकल रहा है, और मतलब ये कि हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो अगर वैल्यू कम है तो सिग्निफिकेंट है, वैल्यू ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए समझिएगा बात। मतलब पहले कंफ्यूजन हो जाता ना कि पी वैल्यू कम थी तो क्या था, रिजेक्ट था कि फेल टू रिजेक्ट था, तो ऐसे मान लीजिए कि उल्टा चल रहा है। जब पी वैल्यू कम होती है रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है, जब पी वैल्यू ज्यादा होती है तो रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंट होता है। फिर आप उसका कंसेप्ट समझ लीजिए।
फिर है कि वाई डोंट एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि या तो रिजेक्ट है या फेलिंग टू रिजेक्ट है. टू अंडरस्टैंड वाई वी डोंट एक्सेप्ट द नल, कंसीडर द फैक्ट दैट यू कैनॉट प्रूव अ नेगेटिव. इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम किसी नेगेटिव को प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं. अ लैक ऑफ एविडेंस ओनली मीन्स दैट यू हैव नॉट प्रूवन दैट समथिंग एग्जिस्ट. अगर हमको स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम प्रूफ नहीं कर पाए उस फिनोमेना को जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. इट डज नॉट प्रूव दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट. अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती. हम क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती थी, हो सकता है हमारी स्टडी मिस कर दिया हो, हमारी स्टडी ने मिस कर दिया हो, खो दिया हो, कुछ ऐसी कमी रह गई हो, कोई एरर आ गई हो जिसकी वजह से हम प्रूफ नहीं कर पाए. इट माइट एग्जिस्ट बट योर स्टडी मिस्ड इट. ये हो सकता है कि एग्जिस्ट करे बट हमारी स्टडी ने उसको मिस कर दिया हो. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट इज द रीजन फॉर द कॉन्वोलेटेड वर्डिंग. ये बहुत बड़ा अंतर की बात हो जाती है. इसीलिए हम कहते हैं कि रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट हम नहीं कहते कि एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, और अगर हम कह रहे हैं तो हम स्टैटिस्टिकली गलत कह रहे हैं, इसलिए नहीं कहना चाहिए. ठीक, फिर वही बात निकल के आई कि रिसर्चर्स वर्क टू रिजेक्ट नलिफाई और डिसप्रूव द नल हाइपोथेसिस. हमारा सारा ध्येय उस दिशा में होना चाहिए. रिसर्चर्स कम अप विद एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन व्हाट दे थिंक एक्सप्लेन्स अ फिनोमेना एंड देन वर्क टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाई, उसके काउंटर में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई, और हम मानते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है. इसलिए हम जो स्टैट्स लगाते हैं वो चाहते हैं ये हैं कि रिजेक्ट हो जाए नल हाइपोथेसिस. लेकिन अगर नहीं रिजेक्ट होती तो भी कोई बात नहीं है. ओके, देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज सिंपली द इनवर्स और ऑपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वैकल्पिक परिकल्पना क्या है, सिंपली साधारण रूप से नल हाइपोथेसिस की बिल्कुल ऑपोजिट है. वो कहती है कि अंतर नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है अंतर है. तो अगर नल हाइपोथेसिस कहती है कोई संबंध नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है नहीं संबंध है. ओके, द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स अबाउट ए पॉपुलेशन. यानी एक ही पॉपुलेशन के दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट होते हैं नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब टेबुलर फॉर्म में आप अंतर देख लीजिए, अब तो समझ में आ ही गया होगा. नल हाइपोथेसिस क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि कोई अंतर नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. बल्कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि ये भी स्टेटमेंट है लेकिन ये कहती है कि सम रिलेशनशिप एग्जिस्ट. नल हाइपोथेसिस को आप एच नॉट से डिनोट करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच वन से डिनोट करते हैं. नल हाइपोथेसिस कहती है कि जो भी अंतर हमको ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है वो चांस की वजह से, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस हाइपोथेसिस आर द रिजल्ट ऑफ चांस. जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि जो ये कोई इसके पीछे रियल फैक्ट लाई करता है, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस हाइपोथेसिस आर द रिजल्ट ऑफ रियल इफेक्ट. और नल हाइपोथेसिस आपका इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इक्वल साइन का है, जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का अनइक्वालिटी का साइन होता है, इनइक्वालिटी का साइन होता है. ओके, तो आई थिंक कि मैं स्पष्ट रही होंगी ये बताने में कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नल रिसर्चर का मेन एम क्या है, वो रिजेक्ट करना चाहता है नल हाइपोथेसिस को. लेकिन अगर वो फेल हो गया रिजेक्ट करने में, इसका मतलब कि कंक्लूजन वीक है, इसका मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट नॉट सिग्निफिकेंट है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंतर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते नल हाइपोथेसिस को, बल्कि हम कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार अगर पी वैल्यू कम है तो सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू ज्यादा है तो नॉट सिग्निफिकेंट है. तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप एक बार समझ कर चलेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आगे. ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड. ओके.